फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति। आज कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई कैफे नहीं, आज हम जाएंगे आइसक्रीम पार्लर। सो मैं लेकर चलती हूँ मेरे यहाँ पे ऑकलैंड में, जो मेरा पसंदीदा आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पे। होपफुली आप इंजॉय करने वाले, उसको बने रहना। सो मैं नाम नहीं बताऊँगी हम कौन से आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचूँगी मैं तभी आपको दिखाऊँगी। पर जो भी ये आइसक्रीम पार्लर है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह पे है, मिशन बे। सो जो ऑकलैंड्स हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे मिशन बे क्या है। अदरवाइज जो नहीं जानते मैं उनको बताती हूँ। ये एक सबर्ब है सिटी के पास एंड बीच फ्रंट पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़े बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने आइसक्रीम पार्लर पे, और आप देख सकते हो वो है मूवनपिक। मेरे को बहुत पसंद है इसके। सिटी में आइसक्रीम खाने का एक अलग मज़ा है, और आप देख सकते हो मैं ऐसी अकेली नहीं हूँ। पीछे लाइन देखो कितनी लंबी लाइन है। तो हम लग चुके हैं अभी लाइन में, मैं और सारांश। तो अभी देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, वेट कर रहे हैं हम अभी। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी ही रहता है। ऑनेस्टली मैं बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, हर टाइम यही हाल होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे सारी आइसक्रीम टेस्ट करती हूँ पहले, जो जो मुझे अच्छी लग रही होती है, और पर मेरी प्री डिफाइंड होती है कि मुझे ये चाहिए ही, तो मैं टेस्ट करके ऑप्ट वही करती हूँ जो मुझे लेनी होती है। पर आज मुझे यहाँ पीछे एक ये केक, ये वाला, ये थोड़ा सा टेम्पटिंग लग रहा है, और इसमें आप अपनी चॉइस ऑफ आइसक्रीम डाल सकते हो। ये एक रीज़न है मेरा वो खरीदने का। तो आई एम थिंकिंग टू गेट दैट वन, लाइक आइसक्रीम ना लेके, क्योंकि उसमें आप आइसक्रीम डाल सकते हो, तो मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम डाल लूँगी। लेट्स सी मैं अभी क्या ऑर्डर करती हूँ। सो यहाँ ऐसा नहीं है आप सिर्फ आइसक्रीम ले सकते हो, मिल्क शेक, थिक शेक्स, बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। बट ऑनेस्टली मुझे यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है, और वो भी सिर्फ एक, तो मैं वही खाने आती हूँ। वो ख़त्म हो गया उनके पास केक, तो दे आर लाइक केक नहीं है, तो नॉर्मल जो मेरे को पसंद है मैं वही वाली आइसक्रीम लूँगी। तो मैं अभी दिखाती हूँ मैंने कौन सी ली है। सो आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने सबसे पहले मूवनपिक की आइसक्रीम यहाँ न्यूजीलैंड में नहीं खाई थी, मैंने इंडिया में खाई थी। और सिलेक्ट सिटी वॉक एक मॉल है साकेत में, जो मेरे घर से सबसे पास मॉल पड़ता है वहाँ, तो वहाँ पे ये स्टोर खुला था, तो मेरा ब्रदर मुझे लेकर गया था। एंड लाइक मेरे को तब भी उतनी ही पसंद थी, और यहाँ पे भी न्यूजीलैंड में मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांड यही है आइसक्रीम का। मेरे को सबसे ज़्यादा इसी स्टोर की पसंद है आइसक्रीम। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है, जो इंडिया में मैंने लाइक वो शायद नया स्टोर खुला था या तो वहाँ पे था नहीं ऐसे कार्ड का सिस्टम। सो मूवनपिक आपको ऐसा एक कार्ड देता है जिसमें आप 9 आइसक्रीम खुद खरीदो और एक आइसक्रीम ये लोग देते हैं। तो मेरे को बहुत पसंद है मूवनपिक की आइसक्रीम, तो मैं ये हमेशा लेती हूँ। और देखो 3 हो चुके हैं, अब बस 9 तक आएगा तो ये एक मेरे को फ्री दे देंगे। मेरी फेवरेट, लाइक मेरे को यहाँ पे और कोई भी, मैं काफ़ी सारे आइसक्रीम पार्लर गई हूँ, ऑनेस्टली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ये मुझे देता है कैपुचिनो और कहीं भी नहीं होता। मुझे एज सच में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पीती, बहुत ज़्यादा क्या मैं नहीं पीती, पर मुझे कॉफ़ी फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो इनकी मुझे कैपुचिनो आई लव इट लाइक एनीथिंग। तो मैंने वही ली है, और सारांश ने लिए स्विस चॉकलेट, वो उन्होंने लिए। और अभी हम हैं मिशन बे पे, यहाँ से अच्छी कोई जगह नहीं है ये आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ मिशन बे भी थोड़ा सा। सो हमें ज़्यादा मिशन बे के लिए जो बीच है ज़्यादा चलना नहीं पड़ा था, जस्ट मूवनपिक के स्टोर के ऑपोजिट ही है पूरा का पूरा वहाँ पे भी। मूवनपिक के और भी आउटलेट है, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जो यहाँ मिशन बे पे है, बिकॉज आप खुद सोचो वो पीछे मूवनपिक का वो था स्टोर, और इतनी सुंदर जगह बैठ के आइसक्रीम इंजॉय करना एक बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसा कि आप सबको पता ही है मुझे बीचेस बहुत पसंद है, तो मुझे सर्दी में भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ मैं करती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर, और तब तक मुस्कुराते रहो और प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।